बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां मिल सकती है, उनकी क्या प्रक्रिया होगी और उनमें कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक ग्रेजुएट हो जाते हो, यानी कि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो सरकारी नौकरियां है और इसके अलावा भी जो नॉन मेडिकल सरकारी नौकरियाँ हैं, आप उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह की हम आपको 10 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो पहले जानते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सरकारी नौकरियों के बारे में। इसमें पहली है स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की भर्ती सरकारी हॉस्पिटल में होती है, जहां पर मरीजों की देखभाल करना, उन्हें दवाइयां देना, टेस्ट वगैरह करवाना, इस तरह के काम इन्हें करने पड़ते हैं। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन इसकी भर्ती में पहले लिखित परीक्षा ली जाती है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, जो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन आजकल इसमें भी कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो वेतन भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, 15,000 से 20,000 रुपये महीना तक इसमें वेतन शुरुआत में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO। CHO की भर्ती हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होती है। दरअसल CHO एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हेड होता है, जिसके अंडर ANM, GNM और बाकी सभी कार्यकर्ताएं काम करती है। इस पद के लिए भी आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और इसकी भर्ती में सिर्फ एक लिखित परीक्षा ली जाती है, जिसमें लगभग 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है। इस तरह से इसकी प्रक्रिया रहती है। इसमें वेतन 25,000 रुपये प्रति माह के लगभग मिल जाता है। अगली नौकरी है मिलिट्री नर्स की। मिलिट्री नर्स की भर्ती इंडियन आर्मी में की जाती है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल जवानों की देखभाल करती है, उनके इलाज में मदद करती है। इस भर्ती में पहले CBT टेस्ट होता है, जिसमें लगभग 80 नंबर के 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिजिकल लिया जाता है, जिसमें हाइट लगभग 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है। इस तरह से इसकी भर्ती कराई जाती है और इस पद पर भी 25,000 से 35,000 रुपये के लगभग प्रति माह वेतन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, इसी तरह से नेवी और एयरफोर्स में भी नर्स की भर्ती कराई जाती है। इसके लिए भी आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और बाकी भर्ती में पहले एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल लिया जाता है। इसमें भी वेतन 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह तक मिल जाता है। इससे अगली नौकरी है नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती अलग अलग राज्यों में सरकारी हॉस्पिटल में होती है, जिसके लिए 21 से 30 साल के बीच में उम्र रखी गई है। इस पद पर भी भर्ती सिर्फ एक लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है, जिसमें लगभग 200 नंबर के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती कराई जाती है। इसमें वेतन की बात करें तो इस पद पर 30,000 रुपये के लगभग तक वेतन मिल जाता है। अगली है इंडियन रेलवे में नर्स की नौकरी। जी हाँ, इंडियन रेलवे में भी नर्स के लिए भर्तियां निकलती है, जिसके लिए बीएससी नर्सिंग के साथ साथ ANM और GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भर्ती RRB की तरफ से कराए गए एग्जाम के आधार पर कराई जाती है। वेतन की बात करें तो इसमें भी 30,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन मिल जाता है। अगली नौकरी है नर्सिंग प्रोफेसर की। बीएससी नर्सिंग करने के बाद MSc नर्सिंग और फिर PhD करके आप मेडिकल कॉलेज में सरकारी टीचर प्रोफेसर बन सकते हैं, जहां पर वेतन 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सरकारी नौकरियां। इनके अलावा भी नॉन मेडिकल ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप बीएससी नर्सिंग के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, UPSC, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, इनकम टैक्स, कोस्ट गार्ड, IB, इस तरह की ग्रेजुएशन बेस पर निकलने वाली सभी सरकारी नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ सरकारी नौकरियां। इनमें से किसी भी नौकरी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।